मैं भी रिवाइव करने दे दिया। क्या मूवमेंट दिखा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं मनु, स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल खूनी घर समेत। तो कोई आज की वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में दो चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला तो है आप लोगों का बन टैप हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग, और दूसरा है आप लोगों का ओनली हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि पुराना साल जाने वाला है और न्यू साल आने वाला है। तो कहीं जैसे आप लोगों ने मेरे को पुराने साल में सपोर्ट किया था, वैसे ही आप लोगों को न्यू साल जो आने वाला है उसमें भी सपोर्ट करना है। 2022 में कोई भी गलती हुई हो तो उसको छोटा भाई समझ के माफ कर देना, और मेरी तरफ से एडवांस में सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। अगर ये इस साल का लास्ट वीडियो है तो आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गवा पे चलेंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदे को मेरी तरफ से 100 करके डायमंड है वो दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग गवा पे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को अपनी यूआईडी के साथ मैसेज डाल देना है। अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं, जो कुछ भी दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में दो सेंसिटिविटी के बारे में, यानी कि आपको मैं आज दो सेंसिटिविटी बताऊंगा। पहली तो आप लोगों की बन टैप हेडशॉट मारने की सेंसिटिविटी, और दूसरी आप लोग की ओनली हेडशॉट मारने की सेंसिटिविटी। आपको देखो फ्री फायर के अंदर जैसे ही आप लोग सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन के अंदर आते हो, यहाँ पर आपको टोटली 6 सेंसिटिविटी मिलती है। लेकिन आपकी जो इसमें से काम की सेंसिटिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंसिटिविटी काम की, यानी आप लोगों की जो फ्री लुक सेंसिटिविटी है वो किसी काम की सेंसिटिविटी नहीं है। आप लोग इसे अपने मन के हिसाब से कितना भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी फ्री लुक सेंसिटिविटी को हमेशा 50 ही रखता हूँ। तो आप लोग भी इसे 50 कर सकते हो या फिर अपने मन के हिसाब से कितना भी कर लेना। तो अभी हम बात करते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। तो स्नाइपर स्कोप जो सेंसिटिविटी है उसको मैं आपको दो तरीके से फाइंड करने का तरीका बताऊंगा। पहला तो तरीका ये कि अगर आप लोग ओल्ड फ्री फायर प्लेयर हो, आप लोग अच्छी खासी स्नाइपर गन चलाना जानते हो, तो उस टाइम पे तो आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना 80। लेकिन अगर आप लोग न्यू प्लेयर हो या फिर नई स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो तो उस टाइम पे आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी कर देना 50। ये तो भाई आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात, कि आप लोगों को अपनी फॉरेस्ट स्कोप जो सेंसिटिविटी है उसे किस तरीके से फाइंड करना है, किस तरीके से रखना है। तो भाई आप लोगों ने फ्री फायर खेलते टाइम हमेशा एक बात नोटिस की है कि आप लोग अपना फॉरेस्ट स्कोप तभी ओपन करते हो जब आपके सामने कोई बंदा लॉन्ग रेंज में खड़ा हुआ होता है। तब अगर आप लोगों के सामने कोई बंदा लॉन्ग रेंज में खड़ा हुआ होता है तब आप लोगों को हाई सेंसिटिविटी चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को हमेशा जो अपनी फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी है उसे 100 पे कर देना है। जिस तरीके से आप लोगों की फॉरेस्ट स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है उसी तरीके से आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। अगर आप लोगों के सामने कोई बंदा लॉन्ग रेंज में खड़ा हुआ होता है तब ही आप लोग अपना 2x स्कोप ओपन करते हो। तो इसके लिए आप लोगों को हमेशा अपना 2x स्कोप सेंसिटिविटी को भी 100 पे कर देना है। ये तो आप लोगों के हेडशॉट मारने की सेंसिटिविटी। अभी हम बात करने वाले कि अगर आप लोगों को बन टैप हेडशॉट मारना है तो उस टाइम पे आप लोगों की दो सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा वर्क करती है। पहली तो है आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी, और दूसरी है आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी। यानी आप लोगों को यहाँ पर जो स्कोप सेंसिटिविटी दिख रही है वो सिर्फ आप लोगों के हेडशॉट मारने की सेंसिटिविटी होती है। लेकिन अगर आप लोग किसी साधारण बंदे को बन टैप हेडशॉट मारते हो उस टाइम पर आप लोगों की दो सेंसिटिविटी वर्क करती है, जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल सेंसिटिविटी के बारे में बात। तो आप लोगों को इसे थोड़ा ध्यान से सुनना है, देन उसके बाद आप लोगों को गेम में जाकर ट्राई करना है। तो आप लोगों की जो जनरल सेंसिटिविटी है उसे आप लोगों को 80 कर देना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसे 90 या फिर 100 करने के लिए भी बोल सकता हूँ, लेकिन आज मेरा मानना है, ठीक है, मेरा नहीं, जितने भी ओल्ड फ्री फायर प्लेयर हैं, फिर जितने भी लीजेंड प्लेयर हैं, फिर जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो अपनी लो सेंसिटिविटी पे ही खेलते हैं। लो सेंसिटिविटी पे क्यों खेलते हैं? क्योंकि आप लोग अगर लो सेंसिटिविटी करके रखोगे अपनी जनरल सेंसिटिविटी को तो उस टाइम पर आप लोगों के हेडशॉट पड़ने के चांस 99% तक बढ़ जाते हैं। एक बार मेरे कहने से अपनी जनरल जो सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा कम करके देखना, देन उसके बाद आप लोग बन टैप मारने का ट्राई करना, हेडशॉट मारने का ट्राई करना। आप लोगों के नेक्स्ट लेवल के बन टैप पड़ेंगे, नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ेंगे। अभी हम बात करते हैं गाइस नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है गाइस आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी। अब रेड डॉट सेंसिटिविटी को आप लोगों को खुद को फाइंड करना है, ठीक है। अब खुद को फाइंड किस तरीके से करना है कि आप लोगों को सबसे पहले जो अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी है उसे 30 पे सेट कर देना है। 30 पे सेट करने के बाद गाइस आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाना है, वहां पर आप लोगों को 10 हेडशॉट मारने हैं। 10 में से आप लोग काउंट करना है कि आप लोगों के कितने हेडशॉट पड़े। जैसे अगर आप लोगों के 7 पड़ते हैं, 8 पड़ते हैं, 9 पड़ते हैं, तब तो आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को 30 रहने देना है। लेकिन अगर आप लोगों के कम हेडशॉट पड़ते हैं तो उस टाइम पर अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को थोड़ा बढ़ा लेना। जैसे आप लोगों ने 30 था तो उसके बाद इसे आप लोग 40 कर देना। तो अभी हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई देखो 5 लाख फैमिली के बहुत ज्यादा करीब है, तो अगर हो सके तो छोटा भाई समझ के लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। क्योंकि यार एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मेरे भाई नीचे की साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, छोटा भाई समझ के उस पर प्रेस कर देना। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस। अब देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो होता है। आप लोग पहले ही सोच लेते हो कि
में सामने बंदे को नहीं मार सकता है, फिर इसने ड्रेसअप अच्छा पहन रखा है, फिर इसकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो भाई देखो, अगर आप लोगों के पास मूवमेंट स्पीड नहीं है तब भी आप लोग अगर कॉन्फिडेंस लेके जाते हो कि नहीं यार मैं तो इसको वन टैप मारूंगा, तो आप लोगों को 100% वन टैप पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग पहले ही सोच लेते हो कि नहीं यार मैं तो मारा जाऊंगा या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कहीं आप लोग उसको नहीं मार सकते। तो भाई हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लेवल है उसे हाई रखा करो। आप लोगों को थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, सिंपली आपको एक काम करना है कि आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके 10 या 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो में सतना है, अगर हो सके तो छोटा भाई समझ के यार 5 लाख फैमिली बहुत जल्दी कंप्लीट करवानी है आप लोगों को, तो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि आप लोगों के पास कितने GB RAM का मोबाइल है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।